और अब डूंगरपुर से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बनकोड़ा गांव में हालात तनावपूर्ण होने की सूचना मिली है। समुदाय विशेष के युवक पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। सूचना के बाद मौके पर फिलहाल देवड़ा थाना पुलिस पहुंच चुकी है। डूंगरपुर से भी अतिरिक्त पुलिस बल रवाना हो गया है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डूंगरपुर से भी अतिरिक्त पुलिस बल रवाना कर दिया गया है। फिलहाल डूंगरपुर से इस समय की बड़ी खबर, जहां पर बनकोड़ा गांव में हालात तनावपूर्ण होने की सूचना मिली है। समुदाय विशेष के युवक पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। सूचना के बाद मौके पर देवड़ा थाना पुलिस पहुंची है, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी रवाना कर दिया गया है। तो बनकोड़ा गांव की घटना है, समुदाय विशेष के युवक पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप, जिसके बाद यहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल रवाना किया गया है। सूचना के बाद मौके पर देवड़ा थाना पुलिस भी पहुंच चुकी है। डूंगरपुर से भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। डूंगरपुर से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बनकोड़ा गांव में हालात तनावपूर्ण की सूचना, जहां पर समुदाय विशेष के युवक पर युवती से छेड़छाड़ का ये मामला बताया जा रहा है। सूचना के बाद देवड़ा थाना पुलिस भी पहुंची है और साथ ही डूंगरपुर से अतिरिक्त पुलिस जाब्ते को रवाना कर दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता तनुज। तनुज, डूंगरपुर से खबर आ रही है जहां पर एक समुदाय विशेष के व्यक्ति ने एक युवती से छेड़छाड़ की है, उसके बाद वहां पर पूरा जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है इस समय? सौरभ, अभी डूंगरपुर से अतिरिक्त जाब्ता गया है और दौड़ा थाना पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। अभी गांव में अन्य लोगों को प्रवेश के लिए पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है जी। इसके अलावा पुलिस के बड़े जो आला अधिकारी है, एडिशनल एसपी भी वहां मौके पे पहुंच गए हैं और गांव में लोगों के समझाइश चल रही है। जो शाम को, देर शाम को जो लड़की ट्यूशन से आ रही थी और उसका हाथ पकड़ के मोबाइल छीनने का जो व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष के युवक ने जो किया था, इसके बाद अभी मामला तनावपूर्ण है वहां पर। ठीक है, तो अभी उस व्यक्ति पे कार्रवाई हुई, किसी की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले के अंदर? अभी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, पर जो लोग, राजपूत समाज के लोग हैं, वो आक्रोशित हैं और वो पुलिस पर दबाव बना रहे हैं और पुलिस जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी कर लेगी। तनुज, तो कारण क्या रहा, जब पूरा मामला सामने आ गया तो पुलिस ने अभी तक किसी के पर कार्रवाई क्यों नहीं की, किसी को डिटेन क्यों नहीं किया अभी तक? पुलिस डिटेन करने के लिए संबंधित के घर पे गई थी, पर संबंधित समुदाय विशेष का युवक उस समय मौके पे नहीं था जी। पुलिस ने अभी तलाश शुरू की है और पुलिस का कहना है कि जल्दी इसमें आरोपी लड़के को पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तनुज इस तमाम जानकारी के लिए।